हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो वीडियो में ले जाने से पहले आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को सेल आउट करना चाहते हैं लेकिन आपको मार्केट में बेस्ट प्राइस नहीं मिल पा रहा है, या फिर जैसा कि आप सबको पता है अच्छा प्राइस देने के लिए अच्छा बॉयर होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मिलना एक बड़ा ही मुश्किल काम है। तो इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करें और आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल आउट करना होगा। कास्ट 24 आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन कराएगा और कुछ मिनटों के अंदर ही आपको अपनी गाड़ी का बेस्ट प्राइस जो है वो मिल जाएगा। तो कितना सिंपल है ना यार, घर बैठे आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन हो जाएगी, घर बैठे सारा पेपर वर्क हो जाएगा, ना कोई आरसी की टेंशन, ना कोई पेमेंट का झंझट, और सबसे अच्छी बात आपको अपनी गाड़ी का बेस्ट प्राइस जो है वो मिलेगा। तो आप आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी मोटर टॉर्शन। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं रेनो ट्राइबर के ओनरशिप रिव्यू के बारे में, फेसलिफ्ट के बारे में। और काफ़ी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर नई, इस प्राइस रेंज में कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है, और रेनॉल्ट की गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर नई ट्राइबर खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। तो इसीलिए आज हम इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू लेके आया, ताकि आपको पहले ही पता चल सके गाड़ी चलाने के बाद कैसी है। एक ओनरशिप रिव्यू जो है वो एक बड़ा एक्चुअल रिव्यू होता है, एक्सपीरियंस जो है ओनर शेयर करता है अपने साथ, तो वही हम आप सबसे शेयर करने वाले हैं। तो मेरे साथ है सतनाम सिंह जी, जो कि इस गाड़ी के ओनर हैं। हमारे पास रेनो ट्राइबर का RXL वेरिएंट है। इनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है गाड़ियों के साथ, 30 साल से इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और इन्होंने काफ़ी गाड़ियां जो है चलाई है, ओडी, टोयोटा से लेके फॉर्च्यूनर, और यहाँ बात करें मारुति सुजुकी डिज़ायर, और सभी तरह की गाड़ियाँ इन्होंने चलाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच आप हमारे चैनल पर आए। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया ये ट्राइबर का RXL वेरिएंट है, आपको ये कितने का ऑन रोड पड़ा? मेरे को ऑन रोड 682 का पड़ा। 682 का? तो मैं बता दूं, हम हरियाणा के सिरसा में हैं और यहाँ पे जो प्राइसेज है वो हरियाणा के टैक्स के अकॉर्डिंग है, तो पूरे इंडिया में ये प्राइसेज जो है वो वेरी कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि अगर आप आसपास के एरिया से, सिरसा से, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीलर का कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, आपको बड़े ही बेस्ट ऑफर जो है प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप हमारे थ्रू बुक करते हैं। तो सर ये बताइए कि आपको आपने जैसे RXL वेरिएंट खरीदा, थर्ड नंबर का ये वेरिएंट है, तो इससे ऊपर वाले वेरिएंट या फिर इससे नीचे वाले वेरिएंट आपने खरीदने का क्यों नहीं सोचा? यही वेरिएंट आपने क्यों खरीदा? ऊपर वाले में वो फंक्शन नहीं थे, ऊपर वाले में फंक्शन जो थे, जो इसी में सब इसी में फंक्शन मेरे को मिल गए, इसलिए मैंने ये बड़ा मॉडल लिया। अच्छा, जो आपको चाहिए थे सारे फंक्शन आपको? सारे फंक्शन मिल गए इसमें। ठीक है। और सर, जब आप ये गाड़ी खरीदने वाले थे, आपने लगभग 7 लाख के अप्रोक्स इस गाड़ी पर खर्च किया, इस प्राइस रेंज में बाकी गाड़ियाँ भी आती है या फिर अर्टिगा जो है वो थोड़े अपर, अगर आपको 7 सीटर चाहिए तो अर्टिगा थोड़े प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, तो आपका मतलब ये गाड़ी खरीदने का मन क्यों बना? और भी काफ़ी गाड़ियाँ जैसे डिज़ायर है, स्विफ्ट है इस प्राइस रेंज में, और बलिनो है, या फिर और कंपनी की गाड़ियाँ भी हैं, तो आपका ट्राइबर लेने का मन क्यों बना? ड्राइवर में इसलिए लिए मैंने, ये 7 सीटर एक तो है। हाँ जी, इसलिए 7 सीटर मैंने ये वाली गाड़ी लिए, बाकियों में बाकी की प्राइस ज़्यादा है, इसकी प्राइस भी कम है सबसे। हाँ जी, इसीलिए मैंने ये गाड़ी ड्राइवर ली। ओके जी। और सर, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी लोगों के मन में डाउट होता है ड्राइवर को खरीदने से पहले, काफ़ी लोगों का कहना है कि इसमें 1000 cc इंजन मिलता है, 71 bhp की पावर मिलती है, तो पावर कहीं ना कहीं जो है वो कम लगती है लोगों को। आपका क्या कहना है? आपने गाड़ी काफ़ी चला ली है, आप सिरसा से अमृतसर भी गए और काफ़ी लॉन्ग ट्रिप आपने निकाले इस गाड़ी पे, तो आपको कैसा लगा कि ये गाड़ी प्रॉपर उठती है, पावर अच्छी पिकअप मिलती है हमें इस गाड़ी से या नहीं मिलती? मेरे को गाड़ी में किसी तरह की दिक्कत नहीं, मैंने रोड पे इसको जैसे कट वगैरह मार के देखते हो, मैंने वो भी चेक कर लिया, मेरे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। AC ऑन पे भी मेरे को दिक्कत नहीं, कही कहते AC में दिक्कत आई, मेरे को तो किसी तरह की दिक्कत नहीं लगी। मैंने चलती गाड़ी में AC ऑन कर दिया, बंद कर दिया, झटका कहीं कहते गाड़ी झटका दिखाती, मेरे को कुछ भी नहीं दिखाया, मेरे बिल्कुल सही गाड़ी चल रही है, मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में आई। अच्छा सर, आपने आपने बताया कि आपने इस गाड़ी के साथ लॉन्ग ट्रिप भी किया और आपने 8-8 लोगों के साथ भी ये गाड़ी चलाई है, तो तब आपको कहीं ऐसा महसूस हुआ कि ओवरटेक करते हुए हाईवे पे या इतने लोगों के साथ गाड़ी जो है प्रॉपर पावर हमें नहीं मिल रही? मेरे को किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, 8 सवारी और 9 मैं था, ये कोई दिक्कत नहीं मेरे को आई इसमें गाड़ी में चलाने में, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। और यहाँ हम बात करें इस गाड़ी की माइलेज की, तो आपको माइलेज क्या मिल रही है इस गाड़ी पे? अभी मेरी पहली सर्विस होने वाली है, मेरे को इसमें 18-19 के बीच में, 17-18-19 के बीच में, 19 तक भी निकाल देती है, 18 भी निकाल देती है गाड़ी। अभी अच्छा, कितने टाइम हो गया आपको गाड़ी खरीदे हुए? मेरे को 3 मंथ हो गए।
ओके, और अभी तक कितनी गाड़ी चला चुके आप? मैंने 8000 किलोमीटर लगभग चला दी मैंने। ओके जी, और ये जो आप 18 की माइलेज बता रहे हैं, 18 ये सारी हाईवे की है, इसमें बीच में लोकल भी है? बीच में लोकल भी है जी। ओके जी, और यह बात करें, जब आपने गाड़ी ये काफ़ी चला ली है, अभी 8000 किलोमीटर चला ली है, आपने हाईवे पे भी चलाई होगी, लोकल भी चलाई होगी, तो या फिर हाई स्पीड की बात करें, तो कभी आपको ऐसा लगा कि जो बाहर से हवा की आवाज़ है या नीचे से रोड की आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है कैबिन में, मतलब साउंड ज़्यादा है, ज़्यादा साइलेंट नहीं है कैबिन, ऐसा लगा कभी? ना, इस तरह कुछ भी महसूस नहीं है मेरे को गाड़ी चलाते समय। ओके, और जब हम बात करें, यहाँ पे हमारे काफ़ी जगह पे ऐसे रोड भी है, खड्डे काफ़ी ज़्यादा है या गांव वाले एरिया में, तो आपको कभी ऐसा लगा कि जो खड्डे जो है ज़्यादा महसूस होते हैं इस गाड़ी में? कुछ भी नहीं ऐसा, इस तरह का महसूस हुआ मेरे को। और यह बात करें इंजन की, तो कभी आपको ऐसा लगा कि इंजन की आवाज़ जो है वो ज़्यादा आ रही है गाड़ी में बैठे हुए? नहीं, या हल्की फुल्की आवाज़ ज़्यादा आती है? महसूस ही नहीं हो रहा, इंजन की स्टार्टिंग का महसूस ही नहीं होता अंदर बैठे हुए। ओके जी, और जैसा कि आपने बताया कि आपने लॉन्ग रन एक ही साथ में 700 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी जब आप सिरसा से अमृतसर गए थे, तो आपको लगा कि जो सीटें उतनी कंफर्टेबल नहीं है, थकावट हो जाती है, थाई सपोर्ट अच्छा नहीं है, ऐसा कभी कुछ लगा? नहीं, कुछ भी नहीं लगा, बेस अच्छा है, इसमें थकावट होती नहीं। ओके, और चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की। सबसे बढ़िया चीज़ें आपको क्या लगी गाड़ी में? मेन बढ़िया चीज़ है, 7 सीटर गाड़ी है, अच्छी है, चलने में भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को चलाने में भी। मेन आपका सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि आपको 7 सीटर गाड़ी इस प्राइस रेंज में मिल जाती है? हाँ जी, कम रेट में मिल जाती है। गाड़ी चलाते हुए कभी आपको गियर लैग्स ऐसा लगा कि गियर अड़ते हैं या स्टेयरिंग जो है उतना स्मूथ नहीं चलता है? कोई दिक्कत नहीं, स्टेयरिंग बिल्कुल हल्का, ना गियर में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। और इस गाड़ी को ख़रीदने से पहले आपने कोई और गाड़ियों के साथ टेस्ट ड्राइव किया था कंपैरिजन? मैंने काफ़ी गाड़ियों का ड्राइव किया, मेरे को बस अच्छी ये लगी, मैंने ये ले ली। मतलब फ़र्क क्या, कुछ फ़र्क महसूस हुआ जब आपने? मेन तो 7 सीटर कम रेट में सबसे ज़्यादा फ़र्क मेन ही है। कोई नेगेटिव आपको लगा इस गाड़ी में, कि कोई कमी आपको लगी हो जो कि ड्राइवर में नहीं होनी चाहिए थी, या आप हमारे थ्रू रिपोर्ट करना चाहते हैं कि कमी ये गाड़ी आपको इस गाड़ी में ये कमी लगी? सर, जिस तरह गाड़ी चलाएंगे हम उसी तरह बता देंगे आपको, कोई इसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको बता देंगे। तो इसका मतलब आपको अभी कोई इसमें कमी नहीं लगी? इसमें मेरे को अभी कोई कमी नहीं लगी। तो गाइज, ये था एक ड्राइवर का ओनरशिप रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। सो वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच आप हमारे चैनल पे आए। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।